हेलो गाइज एंड वेलकम वंस अगेन टू माई चैनल पेट्स एंड फमेनिया। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बैड रेपुटेटेड डॉग ब्रीड्स। वो कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जो कि बैड हैं नहीं लेकिन उनकी रेपुटेशन इतनी बैड हो गई है कि काफ़ी लोग उनको बुरी नज़रों से ही देखते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज नंबर 5 पे डॉग ब्रीड है, दैट इज़ डलमेशियन। डलमेशियन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थी, अब भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन जब एक मूवी आई थी, आई गेस द नेम ऑफ द मूवी वॉज डलमेशियन 101 और 101 डलमेशियंस, इस मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा इस डॉग ब्रीड को पहचान मिली थी। लेकिन जिन लोगों ने इस डॉग ब्रीड को रखा, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की दैट डलमेशियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। दे गेट वेरी एग्रेसिव, बहुत छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आ जाता है और काफ़ी लोगों पर अटैक भी किया है, लेकिन स्टिल टू लोग डलमेशियन को रखते हैं बिकॉज अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रेन करो, प्रॉपरली सोशलाइज करो, तो ऐसी कोई भी कंप्लेन आपको अपने डॉग में देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज द रीजन डलमेशियन इज ऑन नंबर 1। सो गाइस नंबर 4 पे डॉग ब्रीड है, दैट इज डॉबरमैन। डॉबरमैन को देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं बिकॉज दे लुक वेरी फ्यूरियस और इनको देख के लगता है कि ये बहुत हाई अलर्ट डॉग ब्रीड है और आप पे कभी भी हमला कर सकती है। लेकिन डॉबरमैन सिर्फ उनके लिए बुरा है जो कि उसके ओनर के खिलाफ होते हैं, और जो लोग उसके ओनर की प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करते हैं, डॉबरमैन उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। लेकिन डॉबरमैन जिनके साथ रहता है, स्पेशली विद द ओनर्स और जो लोग डॉबरमैन के आसपास रहते हैं, उनके लिए डॉबरमैन कभी भी किसी भी किस्म का खतरा साबित नहीं हुआ और डॉबरमैन की कोई भी अभी ऐसी बात नहीं सामने आई कि उसने अपने ओनर पर अटैक किया हो। लेकिन स्टिल टू जो चोर हैं जो प्रॉपर्टीज़ में घुसना चाहते हैं, उनकी नज़र में डॉबरमैन हैज़ अ वेरी बैड रेपुटेशन। सो दिस इज़ द रीज़न डॉबरमैन इज़ ऑन नंबर 4। सो गाइस नंबर 3 पे डॉग ब्रीड है, दैट इज़ रॉटवाइलर। बींग अ मस्क्यूलर गार्ड डॉग, रॉटवाइलर से सारे लोग ही डरते हैं, स्पेशली जब ये कहा जाता है कि रॉटवाइलर इज़ ओनली फॉर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स। लोग ये बात सुन के और ज़्यादा डर जाते हैं कि रॉटवाइलर को रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर आपको डॉग्स रखने में एक्सपीरियंस ना हो। दिस इज़ द रीज़न रॉटवाइलर की रेपुटेशन थोड़ी सी बैड रहती है कि लोग इससे डरते हैं, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि रॉटवाइलर कैन ओनली बी ट्रेन बाय 1 पर्सन। ये 2-3 बंदों की बात नहीं सुनता, ये सिर्फ अपने मालिक की बात सुनता है जो उसको खाना डालता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दिस डॉग ब्रीड हैज़ अ बैड रेपुटेशन बिकॉज ये अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेते हैं एंड दे कैन बी वेरी बैड विद स्ट्रेंजर्स, लेकिन अपने ओनर के साथ उतने ही ज़्यादा लॉयल होते हैं और उतने ही ज़्यादा अपने ओनर की प्रोटेक्शन करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न रॉटवाइलर इज़ ऑन नंबर 3। सो गाइस नंबर 2 पे डॉग ब्रीड है, दैट इज़ चुआवा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये पॉकेट साइज़ की डॉग ब्रीड, इसकी बैड रेपुटेशन क्यों है। तो भाई इसकी बैड रेपुटेशन इस वजह से है कि इसने मोस्टली अपने ओनर्स के मुंह पे बाइट किया है, स्पेशली जब वो इसको किस करने के लिए इसके फेस की तरफ आए हैं। मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि चुआवा को कभी भी फेस पे किस मत करो, इनका कोई पता नहीं चलता इनका टेंपर कब हाई हो जाता है एंड दे कैन ईजिली बाइट योर नोज़ योर लिप्स और आपको अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपकी शक्ल तक बिगाड़ सकते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉग को कभी भी मुँह पर मत चूमो बिकॉज डॉग्स के टेंपर का कभी भी पता नहीं चलता और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि डॉग के अंदर चल क्या रहा है। आपका डॉग इरिटेट तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं है और आप फिर भी उसको किस कर रहे हो, तो 110% ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सो इसमें डॉग की कोई गलती नहीं है, लेकिन मोस्टली ये हरकतें चुआवा ही करता है। सो इसलिए मैंने इस डॉग ब्रीड को इस लिस्ट में शामिल किया है कि इस ये हरकत में चुआवा इज़ वेरी पॉपुलर कि अपने ओनर्स के मुँह पर इसने बाइट किया है एंड चुआवा गेट एंग्री वेरी सून। दिस इज़ द रीज़न दिस डॉग ब्रीड इज़ ऑन नंबर 2। सो गाइस नंबर 1 पे डॉग ब्रीड है, दैट इज़ अमेरिकन पिटबुल टेरियर। एज वी ऑल नो, अगर बैड रेपुटेशन की बात की जाए तो पिटबुल का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं कि पिटबुल ने अपने ओनर पे अटैक किया है। अब इस चीज़ के अंदर जब मैंने ये रिसर्च पूरी देखी तो मुझे ये फील हुआ कि इसमें डॉग्स की कोई गलती नहीं थी, ये ह्यूमंस थे जो उल्टी सीधी हरकतें करते थे जिसकी वजह से पिटबुल की बैड रेपुटेशन बनती गई। पिटबुल बिलोंग टू अ फाइटिंग ब्लड लाइन और इसमें लोग क्या करते थे हिस्ट्री के अंदर, इस डॉग ब्रीड को लड़वाते थे, लड़वाने के चक्कर में उनको ऐसी डाइट दी जाती थी, ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाते थे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे अंदर से, और अगर उनको कोई डॉग ना मिले तो वो अपने ओनर पे ही अटैक कर देते थे। तो दिस इज़ द रीज़न पिटबुल की बैड रेपुटेशन बनती गई, उस पर केसेस चलते गए और अब जाके लोग ये समझते हैं कि पिटबुल को आप इजीली नहीं रख सकते अपने घर में, दे कैन इजीली अटैक ऑन यू। मैंने खुद पिटबुल रखा हुआ है और अगर उसको प्रॉपर तरीके से सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग कराई जाए, पिटबुल कैन ईजिली बी केप्ट विद फैमिली। सो दिस इज़ द रीज़न पिटबुल इज़ ऑन नंबर 1। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। Love you all.